नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवे या सूजी के लड्डू। यह लड्डू बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो आइए देखते हैं रवे का लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत है। रवे के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक रवा। यदि आपके पास मोटा रवा हो तो मिक्सर में आप थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे तो बारीक हो जाएगा। और पौना कटोरी शक्कर, यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो बराबर शक्कर ले सकते हैं। 2 बड़े चम्मच देसी घी, काजू कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखा खोपरा, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं या ना लें। इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम और गार्निशिंग के लिए पिस्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम रवे के लड्डू। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करने रखेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, रवा डाल देंगे। मैं रवे के लड्डू चाशनी वाले बनाऊंगी, आप बिना चाशनी के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पीसी हुई शक्कर लेना पड़ेगी। रवा सिकने की थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है, सिकना शुरू हो गया है, थोड़ा और हम सेक लेंगे। रवे को धीमी आंच पे सेकना है। रवा हमारा ब्राउन हो गया है, गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम चाशनी तैयार करेंगे। अब हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में शक्कर डालेंगे, उसके बाद 1/2 कटोरी पानी डालेंगे और शक्कर मेल्ट होने तक लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सिका हुआ रवा उसमें डाल देंगे। हाँ, रवे के लड्डू में तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें, केवल शक्कर को मेल्ट होने देना है और फिर गैस बंद कर देना है। चाशनी को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, गरम गरम चाशनी में रवे को नहीं डालेंगे। उंगली ठहरने तक ठंडा होने देना है चाशनी को, उसके बाद हम इसमें रवा डाल देंगे और बाकी की चीज़ें भी डाल के फिर हम लड्डू बना लेंगे। चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमारी थोड़ी चाशनी गर्म है तो उसमें ये मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से हमने मिल्क पाउडर चाशनी में मेल्ट कर लिया है। अब हम रवा डाल देंगे। अब जो हमने नारियल पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, काजू बादाम भी डाल देंगे और एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए, लड्डू का मिश्रण ठंडा हो गया है और एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। पिस्ता से हम गार्निश कर लेंगे। देखिए, रवे के लड्डू बनके तैयार है। आप भी इस विधि से रवे के लड्डू जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। तो इस दिवाली पर आप भी इस विधि से लड्डू बनाइए और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।